विश्वकवि महाकुंभ में जोग देते उत्तर प्रदेश विधानसभा बाचस्पति हृदय नारायण दीक्षित सहित अधिक आलोचना करपुट हेड पी हेमंत कुमार विश्वकवि महासम्मेलन आज अतिथि होती उत्तर प्रदेश बाचस्पति तथा वेद भाषा ज्ञानी रही हृदय नारायण दीक्षित 32 रु अधिक पुस्तक रचना कर जो वेदरे प्राचीन सभ्यतार जो भाव ज्ञान सीधा सड़क आम सहित अच्छा हृदय नारायण जी आपको कलिंगा टीवी में स्वागत है। बहुत धन्यवाद कलिंगा टीवी का। वो यहाँ की संस्कृति सभ्यता और राजनीति समाज जीवन को दिखाते हैं आप, तो आपके चैनल को बहुत बधाई। तो दीक्षित जी आप यहाँ पे आए, जगन्नाथ धाम पे आए और जो वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ पोएट्स में आए, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे और आयोजन के बारे में क्या कहेंगे? आयोजन बहुत सुंदर, दुनिया के अनेक देशों के कवि यहाँ आए और कविता के जानकार यहाँ आए, बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही हम लोगों का भाग्य रहा कि बाबा जगन्नाथ जी के अभी दर्शन करेंगे। बहुत पहले 10-15 साल पहले हमने दर्शन किए थे, तो वहाँ प्रणाम करेंगे। मान्यता ये है कि जब वो बुलाते हैं तब लोग आते हैं। कलिंगा टीवी के दर्शकों के लिए आप बताइए, वेद क्या है, हमारी प्राचीन धरोहर क्या है? वैदिक संस्कृति ईसा से कम 10,000 साल पुरानी, भारत ऋग्वैदिक काल के समय से ही एक सभ्य सामाजिक संरचना है। ऋग्वेद का काव्य दुनिया के सभी कविताओं से पुराना है। ऋग्वेद में आदर्श, शील, व्यवहार, आचार, ज्ञान, विज्ञान, जिज्ञासा, प्रश्न सबका समन्वय है और ये पूरी भारत भूमि में दिखाई पड़ता है प्रभाव। ऋग्वेद में विष्णु देवता हैं, विष्णु यहाँ पर विराजमान हैं आपके यहाँ। ऋग्वेद में जितने भी बड़े देवताओं का उल्लेख किया गया है, परम सत्ता का उल्लेख किया गया है, बाबा जगन्नाथ जी यहाँ विराजमान हैं। तो ये डॉक्टर अच्युत सामंत जी की प्रयास से पहली बार विश्व महाकवि सम्मेलन उड़ीसा में हो रहा है, सब धर्म के धर्मगुरु और प्रवर्तक यहाँ हैं, तो ये जगन्नाथ धाम सारे विश्व को, विश्व की मूल मंत्र यहाँ से, जगन्नाथ धाम सबको आप आकर्षित करता है। आपने बताया कि बहुत महान लोग आए, शंकराचार्य जी आए, चैतन्य महाप्रभु आए, इनकी संख्या तो बहुत है। सब आए, दर्शन लाभ किए, यहाँ के दर्शन से, यहाँ की संस्कृति से सबको लाभ मिला। हम लोग तो भक्त के रूप में यहाँ आए हैं और हमको भी दर्शन लाभ पहले मिल चुका है, आज फिर मिलने वाला है। और हम आपके टीवी को बहुत बधाई देते हैं कि आप भारतीय संस्कृति को, प्राचीन सभ्यता को और परंपरा को प्रतिष्ठित भी करते हैं समाचार देने के अलावा, ये एक अच्छी बात है। कविता का असर धीमे धीमे होता है, ये समय लेता है, लेकिन हमारे राष्ट्र जीवन में तो कविता को ही स्थान है सबसे बड़ा। कविता हमारा आचार शास्त्र है, कविता हमारा नीति शास्त्र है, कविता में ही आयुर्वेद है, कविता में ही योग शास्त्र है, कविता में ही नाट्य शास्त्र है भारत का, कविता में ही देवता हैं भारत में। हमारे स्वाधीनता आंदोलन में जो कविता सबसे ज़्यादा चली वो बंकिम चंद्र का वंदे मातरम थी, सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम, और यह इतना ज़्यादा चली कि देश का कोई कोना नहीं बचा और तमाम क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर वंदे मातरम बोलते हुए झूल गए। हृदय नारायण जी आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपने बहुमूल्य समय दिया हमारे साथ बातने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। और कलिंगा टीवी के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे उड़ीसा लोगों को? आखिरी जैसे हम बोलते हैं कि जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत में, उड़ीसा की जनता को कोई संदेश देने के योग्य हम स्वयं को नहीं मानते, हम ये मानते हैं कि उड़ीसा हमारे स्पंदन में है, पूरे देश का प्रतिष्ठित अविभाज्य अंग है, घटक है, यहाँ से संस्कृति सभ्यता के संदेश जाते हैं। हम उड़ीसा की जनता को प्रणाम करते हैं। जेमती कहुले कि हृदयनारायण जोशी जे की कहते कि भारतर संस्कृति, भारतर परंपरा और ओडिशा रा संस्कृति, से ओडिशा रा संस्कृति को प्रणाम करुचंती और विशेष करी जोड़ी भाव कवि सम्मेलन अंशग्रहण करथिबारु डॉक्टर अच्युत सामंत को मध्य धन्यवाद देइछंती। वीडियोग्राफर महेंद्र सहित पुरीरु मृणालकांति नंद, प्रद्युम्न साठुआ, शैलेन्द्र पी हेमंत कुमार, कलिंगा टीवी।